हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नया वीडियो के साथ आपको स्वागत करता हूँ। ये है MSI समिट मॉडल है। ओके, आप चलिए इसकी बेसिक डिटेल आपको बता दें क्या है कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी कलर की। ये ब्लैक और गोल्डन कलर में है, आप देख सकते हैं। ये है विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ आया है, बेसिकली 1.3 KG इसमें। ओके, अभी बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले जो है वो 13.4 इंच में है, 1920x1200। ओके, टच स्क्रीन के साथ आया 16.10 mm में। ओके, अभी इसकी बात करके टच की बात कर देखिए आप, टच कितने स्मूथ चल रहे हैं बेसिकली। अभी बेसिकली इसमें जो CPU है वो है आपको i5 है, 11 जनरेशन में TM प्रोसेसर है, 2.4 GHz में टर्बो प्रोसेसर है। ओके, 8 कोर में उसे इसके साथ आया हुआ उसे। और बेसिकली इसमें अभी बात करते हैं रैम की बात करें, जो रैम है इसमें 16 GB रैम है, इनबिल्ट है इसके साथ मदरबोर्ड में। आप अप टू 16 GB तक अपडेट हो सकता है बेसिकली। देखिए जो टच कितना स्मूथ चल रहा है बेसिकली, आप देख सकते हैं। ओके, अभी इसके SSD बात करें, SSD 512 GB Gen 4 में SSD लगा हुआ ऑलरेडी इसमें। ओके, अभी डिस्प्ले में मैंने बता दिया स्क्रीन 13.4 इंच में। ओके, और इसकी जो टच का रिस्पॉन्ड है 16.9 में PPM में। ओके, इसके साथ एस पेन भी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप देखिए 4K सपोर्ट के इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, 4K सपोर्ट भी अपडेट है इसके अंदर। ओके, अभी देखिए आप इसके साथ बैकलाइट कीबोर्ड है एक सिंगल कलर में, वाइट कलर में। इसमें फिंगरप्रिंट भी अवेलेबल है, एम फेस रीडिंग भी इसके अंदर एक्सेस अवेलेबिलिटी है। ओके, अभी देखिए इसमें फेस लॉक और फिंगरप्रिंट कैसे लगाया जाता है वो आप देख सकते हैं। इसमें साइन सिक्योरिटी में जाना, सिक्योरिटी में अकाउंट्स में जाने के बाद, सिक्योरिटी जाने के बाद आपको एड अकाउंट पिन पासवर्ड वगैरह डालना, उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाकर आप सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करें। एक ही इसके बेसिकली क्या है, HDMI और थंडरबोल्ट अवेलेबल है ऑलरेडी इसमें, और ये दो पोर्ट, एक ही USB पोर्ट है 3.0 का ऑलरेडी, और लेफ्ट साइड पे दो C पोर्ट्स अवेलेबल है इसके अंदर टाइप सी, ठीक है। और भी फिंगरप्रिंट सेंसर बैकलाइट इसके साथ अंदर अवेलेबल है, और इसमें 70 mAh की बैटरी है ऑलरेडी 4 सेल में। ओके, अभी इसमें बात कर रहे थे वाईफाई ब्लूटूथ, जो वाईफाई ब्लूटूथ दोनों कॉम्बो आता है 5.2 mm में। अभी ये रोटेट होता है 180 डिग्री रोटेट हो जाता है बेसिकली, आप देख सकते हैं। देखिए ये आप टच देख सकते हैं, फेस रीडर भी एक्सेस है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हाँ, यहाँ पे इसमें टच पैड देखिए कितना बढ़िया है इसमें। देखिए आप रोटेट कर सकते हैं, टैबलेट मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके दोस्तों, और अभी बात करें देखिए टैबलेट मोड पे भी आप कैसे यूज करना है वो आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है यहाँ पे आपको। तो फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्मूथ में देखिए इसका डिस्प्ले क्वालिटी कितना बढ़िया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और दिखा रहा है यहाँ आपको। ये ऑटो रोटेट भी हो जाता है, आप कुछ कुछ जैसे मान लो आपको नोट पैड में कुछ बनाना ही है या आपको कुछ यूज करना है टैबलेट मोड, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑलरेडी, देख सकते हैं। ये देखिए कीबोर्ड में ऑलरेडी इसमें एक सी पोर्ट दे रखा चार्जिंग पोर्ट का, जिसमें 65 वाट का अडाप्टर इसके अंदर है सी पोर्ट में, वो चार्ज कर सकते हैं। 2 वाट का इसके अंदर स्पीकर अवेलेबल है, ठीक है, 2x220 स्पीकर है, आप देख सकते हो। चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर।